दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है नादान कातिल। ये इंद्रजाल वालों की कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छी लग रही है कॉमिक्स नाम से, इसलिए पढ़ रहा हूँ। और इसका हीरो है आदित्य, अनजान लोक का फरिश्ता। नादान कातिल। दूध या चांदनी में नाई धरती जैसे सोई हुई थी। सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे एक आकृति आराम कर रही थी। आदित्य शांत रात्रि उसे सोए देखकर और शांत हो गई थी। वह अतीत के सपनों में खो गया था। माँ माँ, तूफानी रात, खोया हुआ बच्चा, साधु की टोली, हिमालय में साधु के सानिध्य में बीता जीवन। माँ माँ, क्या कभी मिल पाएगी माँ मुझे? कितना दूर जाना पड़ेगा बचपन में खोए उस प्यार को पाने के लिए। अचानक चांद बादलों की ओट में छिप गया, अंधेरा छा गया। तभी कार की रोशनी, स्क्रीच। अच्छा, तुम मिल गए, अब चलो जल्दी। अब खड़े क्या देख रहे हो, देर हो गई, चलो। ट्रक पर चढ़ते चढ़ते आदित्य छिटका। उसे ऐसा एक और ट्रक याद आ गया, पर वह ट्रक में बैठ गया। ड्राइवर ने ट्रक दौड़ा दिया और इंतजार करती एक और आकृति ड्राइवर को दिखाई नहीं। वास्तव में इसी आदमी को लेना था उसे। ध्यान से सुनो, यह हमारा पहला काम है, साथ साथ हमें सामान अड्डे तक पहुंचाना है, फिर हम भागीदार। यह अड्डे तक जाने का नक्शा ध्यान से देख लो, इस पर दिखाई निशान गुप्त शब्द हैं। तुम्हारा इन शब्दों का ज्ञान ही इस बात का सबूत होगा कि तुम हमारे आदमी हो। क्लिक, इन्हें जल्दी से याद कर लो, ज्यादा देर तक बत्ती नहीं जलनी चाहिए। हो गया यार, तुम बोलते क्यों नहीं? ड्राइवर ने मुड़कर शांत और सुंदर आंखों में झांका, नजर हटा नहीं पाया वे। और जब हटा पाए देर हो चुकी थी। ओह, नहीं बचा पाऊंगा, नहीं। और अगले क्षण धड़ाम। ओह, आदित्य जल्दी से उतरा। हे भगवान, यह भी होना था, तुम्हें काफी चोट लगी है। ड्राइवर ने फिर आदित्य को देखा, देखता ही रहा, बहुत साफ दिख रहा था उसे। हाँ, मुझे चोट लगी, पर तुम घायल नहीं हो सकते, है ना? फिर उसकी आंखों में डर छा गया। मुझ पर दया करो, यह ट्रक अड्डे तक ले जाओ, सीधी सड़क है, मेरे दोस्त के नाते। और वह बेहोश हो गया। आदित्य ने करुणा भरी आंखों से गांव को देखा, खून धीमा हो गया, रुक गया। ड्राइवर को अपनी बाहों में लेकर आदित्य ने उसे ट्रक में लिटा दिया। तभी चांद बादलों की ओर से निकला, चांद की रोशनी में आदित्य ने देखा, यह ट्रक से गिरा है हथियार। मुझे दोस्त कहने वाला यह हथियार क्यों ले जा रहा था? आदित्य ने हथियार उठाकर फिर ट्रक में रख दिए। उसने कहा था इसे अड्डे तक पहुंचा दो। आदित्य ने दिल पर हाथ रखा, ट्रक की तरफ देखा और अगले क्षण क्रिक क्रिक, ट्रक फिर सड़क पर पहुंच गया। आदित्य ट्रक में बैठ गया, खड़ा हुआ, ट्रक अचानक चलने लगा। टंकी में छेद हो गया था, पेट्रोल गिर रहा था। और जल्दी रास्ते में गांव आया, गांव वाले हैरान होकर देख रहे थे। बिना ड्राइवर वाले ट्रक को जाते हुए, यह क्या, मेरी आंखों को कुछ हो गया है क्या? जल्दी ही, ओह, कहाँ पहुंचे हम? अड्डे के नजदीक, तो पेड़ों के बीच से होते हुए आगे ले जाइए। एक मकान के सामने पहुंचा जो बाहर से नहीं दिखता था। ट्रक पेड़ों वाले रास्ते से होता हुआ दरवाजा खोलकर एक बूढ़ी औरत तो बाहर आई। ओ नहीं, इंदर, मेरा बेटा, अंदर ले आओ। थोड़ी देर बाद, मेरे बाबा ठीक हो जाएंगे ना? हाँ बच्चे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम इसे यहां तक ले आई, तुम्हें तो मैंने अच्छी तरह देखा भी नहीं। कितने प्यारे, तुम मेरे दूसरे बेटे हो, मेरे तीसरे बच्चे। तभी माँ, मैं आ गई। एक लड़की भीतर आई, यह कौन है तुम्हारे साथ? ओह, क्या हुआ भैया को? सोने दे उसे, एक्सीडेंट हो गया था, ठीक हो जाएगा। इधर आ, प्रकाश अपने भाई के नए साथी से मिल।
अगले क्षण अजनबी इल्लामत, प्रकाश यह क्या? सड़क पर इस तरह मिलने वाले पर मैं भरोसा नहीं कर सकती। क्या नाम है तुम्हारा? कौन हो तुम? मेरा नाम आदित्य है। प्रकाश ने उन शांत आंखों में देखा, उसकी पिस्तौल बरबस झुक गई। मैं समझी। खैर याद रहे, हम किसी ऐसे वैसे उद्देश्य के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं। बोलने की आजादी, सोचने की आजादी और सर्वाधिक संतोष देने वाली आत्मा की आजादी। हाँ, यह भी शामिल है। अच्छा मैं है, जरा अपनी शक्ल तो देखो, योगी की भूमिका निभाने वाले वाले जोकर लग रहे हो। लंबे बाल, भगवा कपड़े, साधु जैसा झोला भी बढ़िया है, पर तुम ज्यादा ही साधु लग रहे हो। पर अब तुम्हें आधुनिक लगना है, ज्यादा सभ्य है। कहो तो तुम्हें सभ्य बना दूं? जैसी तुम्हारी मर्जी। प्रकाश भागी हुई दूसरे कमरे में गई और लौटी तो उसके हाथ में पिस्तौल की जगह थी। किस किस सबसे पहले बाल काटे जाएंगे। क्या करी हो प्रकाश? नए परिचित के साथ क्या मजाक है? श्यामा, मुझे करने दो, तुम जाकर पानी गर्म करो नहाने के लिए। अच्छा शैतान लड़की, पता नहीं तुम मुझे इतने अच्छे क्यों लग रहे हो। शुरू में तो तुम्हें देखकर मुझे उड़ती अफवाह याद आ गई थी, अनजाना मुसाफिर की जिसने आंखों से तूफान रोक दिया। पर सबसे अजीब उसका नाम है, अज्ञात लोक का मसीहा, जिसका नाम, जिसका अपना देश ही नहीं। क्या कीमत उसकी? कुछ नहीं। ऐसे आदमी को तो मैं टहनी से भी न छूं। कहीं का न्याय होने का एक फायदा यह है कि आदमी कहीं का भी हो सकता है, कहीं का भी। बकवास, आदमी की सबसे बड़ी भावना अपनी धरती, अपने लोगों के प्रति निष्ठा है। क्या मैं सबसे पहले अपने प्रति सच्चा नहीं होना चाहिए? बोलो। मैं ओ रुकिए, पहले आप मत बुझाइए, अब आप साधु नहीं है, मैंने रूप बदल दिया है। जाओ ना लो, आओ आपको पिछवाड़े ले चलूं। आदित्य बच्चे के साथ चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह लौटा, देखो तो छोटू, भैया के कपड़ों में ऐसे लग रहा है जैसे कोई फिल्मी हीरो पर्दे से बाहर आ गया हो। तुम भी बच्ची हो अपने भतीजे जैसी। बाद में, इसलिए माँ, मेरा भाई बिन माँ का छोटू और मैं छुपते छुपाते शहर से यहाँ पहुंचे। काफी कष्टदायक रहा है यह अज्ञातवास, पर अब हम तैयार हैं। तभी, आप कहाँ हैं? इंद्र होश में आ गया। वे उसके बिस्तर के पास पहुंचे। भैया कैसा लग रहा है? कमजोरी लग रही है और डर भी। पर क्यों? काम काम आज ही होना चाहिए और मैं कर नहीं पाऊंगा, और आपको मैं अकेला भेज नहीं सकता तो कौन करेगा? मैं तो बिस्तर से भी नहीं उठ सकता। मैं करूंगी। तुम्हें कोई तजुर्बा नहीं, फिर तुम लड़की हो। तो क्या हुआ भैया? क्या मैं सिपाही नहीं हूं अपने मान उद्देश्य की? मैं करूंगी यह काम। आज मैं अपने दूसरे भाई आदित्य के साथ जाऊंगी, मुझे लगता है यह साथ होंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हमारे साथ छोटू भी जाएगा, उसे भी सीखने दो। पर क्या काम करना है? तुम्हें पता चल जाएगा वक्त पर, सब मुझ पर छोड़ दो। थोड़ी देर बाद कस्बे के बस स्टैंड पर। जल्दी चढ़ो, चलो अब चला दे भाई। थोड़ी देर में बस कस्बे के बाहर पहुंची। आगे खुली सड़क थी, किनारे पर एक स्कूटर खड़ा था। निकल भागने का जरिया वहीं खड़ा है, स्कूटर जहां छोड़ गई गई थी मैं। वक्त आ गया। बस के भीतर, बच्चे खिलौना संभाल कर रखो। ओह रुको भाई, मैं उठाती हूं। वे आगे गई, पर खिलौना उठाने के बजाय उसने अपना बैग खोला। और अगले क्षण सब अपनी जगह बैठे रहे। हे भगवान, बंदूक है इसके पास। जल्दी थैले में से दूसरी बंदूक निकालो, अब एक मान उद्देश्य के लिए तुम सबको खत्म कर दूंगी। आदित्य आगे बढ़ा। नहीं, मूर्ख, डर गए क्या? जैसे मैं कहती हूं करो, नहीं इससे तुम्हें और तुम्हारी तुम्हारा उद्देश्य, आत्मा की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी जो तुम्हें चाहिए। भैया मेहरबानी करके मुझे कमजोर मत बनाओ। बच्ची मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, मेरी मदद कायर, मैं अपनी हिम्मत को इतनी बुलंदी तक तो ले आई, और अब तुम्हें शर्म शर्म नहीं आती? तुम्हें
इस मान काम को तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं। बोली बच्ची को कोई उद्देश्य इतना मान नहीं हो सकता कि किसी की जान लेने का कारण बने। तुम्हारी 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 शांति यह विश्वास तुम्हें कहां से आया? तुम हो कौन? अगर मैं कहूं कि मैं वही नाकर आदमी हूं जो सब जगह काका है तो? नहीं नहीं यह नहीं हो सकता। अचानक तड़ाक, अब मेरी बारी है। मैं सादे कपड़ों में पुलिस अफसर हूं, ऐसे मौके के लिए बस में हूं। गोली चलाना तुम्हें ही नहीं मुझे भी आता है। अब मरो जैसे तुम हमें मारना चाहती थी। धुआएं, इससे पहले की गोली प्रकाश के माथे पर लगती, आदित्य की आंखों ने उसे रोक लिया। नहीं, और अविश्वसनीय ताकत से उसे लौटा दिया। जिंग, पिस्तौल के अंदर अपनी जगह। अरे गोली लौटा दी उसने। सारे यात्री एक साथ खड़े हो गए। तो यह अफवाह नहीं थी, वही है अनजाना मुसाफिर मसीहा। हाँ यह वही है। आदित्य चुपचाप चलने के लिए तैयार हो गया। प्रकाश जादू में बंदी उसके पीछे चल दी। स्कूटर भी भूल गए। कोई कुछ नहीं बोला, सब सांस थामे देखते रहे। अचानक वह गायब हो गया, हमें और उसे बचाकर। कुछ क्षण बाद 30 किलोमीटर दूर अड्डे का रास्ता सुनसान पड़ा था। जब और अड्डे पर क्या हुआ? कुछ खास नहीं, सब ठीक हो गया। तो कोई मौत नहीं हुई? नहीं। हाँ सब ठीक हो गया, तुमने यहां रखकर मुझे सच सिखा दिया। बाद में जब प्रकाश ठीक होगी, अब मैं जाऊंगा। हाँ जाओ, छोड़ जाओ मैं भ्रम में अनजाने मुसाफिर। तुम्हारे विश्वास ने मुझे भ्रमित कर दिया है। तुम भरमाने वाले होने मैं नहीं जानता मैं कौन हूं क्या हूं। मैं तो सिर्फ यह जानता हूं कि तुम लोगों ने मुझे सिखाया है परिवार का प्यार क्या होता है। इसके लिए शुक्रिया बेटे। तुमने सच से इस घर की पहचान कराई है। रुको, तुम्हें कुछ निशानी देना चाहती हूं मैं। प्रकाश अंदर के कमरे में जाकर ट्रक में कुछ ढूंढने लगी और उपहार लेकर आई। यह सोने की चैन मेरी दादी ने मुझे दी थी, मेरी सबसे कीमती चीज तुम्हारे लिए। प्रियजनों को याद करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, मैं यह नहीं ले सकता। सोने की चैन लेकर प्रकाश आगे बढ़ी तो आदित्य परेशान हो गया। जो ही उसने गले में पहनाई, आह भैया भैया क्या हुआ तुम्हें? चैन उतारो जल्दी, उसी से हुआ है, उतारती हूं। पर आदित्य कई घंटे बेहोश रहा। आखिरकार उसकी ताकत लौटी, वह फिर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। प्रकाश प्रकाश चिढ़ा रही थी। अज्ञात लोक के मसीहा, एक लोक है जो तुम्हें रास नहीं आता, स्वर्ण लोक। हाँ एक दोस्त ने मुझसे पूछा था मुझे क्या चीज रोक सकती है, तो यह चीज है, भयंकर बाधा सिद्ध होगी यह। अच्छा अलविदा नादान लड़की, हमेशा बोली बनी रहना वही मुक्ति है। मैं हमेशा याद रखूंगी, अलविदा। मैं बोलना मत भैया। और एक बार फिर उबड़ खाबड़ राय, पथरीले रास्ते, नंगे पैर यात्रा। देखो जाना मुसाफिर कहाँ जा रहा है, वहां जा। अगली कथा है प्रिय पाठक। तो दोस्तों एक कॉमिक्स तो यहीं पे समाप्त होती है, आगे एक और है चितेरा। बच्चों मेरे इस प्राचीन कुर्सी की एक टांग हिल रही है, इसे मरम्मत करके के लिए ले जाने के लिए 5 रुपए दूंगा, ले चलेंगे। भारी है, थोड़ा आराम कर ले चितेरे, बढ़िया रहेगा। वाह थोड़ा बैठने के लिए मुझे यही तो चाहिए थी। हटो बच्चों मैं बैठूंगा, ध्यान से इसकी टांग ढीली है। अरर कड़ाक क्रिक, ओह बहुत कीमती थी यह कुर्सी। मालिक आ रहा चितेरे, वह समझेगा हमने कुर्सी तोड़ी। शायद एक चित्र से समझ जाए असल में यह काम किसका है। बाद में, अरे यह तो वैसी ही कुर्सी है जैसे मैंने तोड़ी, और वह बच्चा उसे कीमती बता रहा था, मजा आएगा। अरे आधी कुर्सी तो चित्र ही है, अब मालूम चलेगा बच्चों को। हूं मुझे मूर्ख बनाया, बड़ा गुस्सेल है। हूं तो तुम हो मेरी प्राचीन कुर्सी तोड़ने वाले। अरे ठक ठक, 5 रुपए रखो बच्चों, यह पूरी कीमत देगा मेरी कुर्सी की। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, काफी पुरानी कॉमिक्स है।
तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।